हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मैनेज करना, कि जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच द टॉप, जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके अंदर हम एंश्योर करते हैं फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेटेजी टेक प्लेस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? एक डायनामिक प्रोसेस है। किस टाइप का प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? एक डायनामिक प्रोसेस है। एंड फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ठीक है। एंड जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। सेम टू सेम तो हम वो नहीं रख सकते, प्रोसेस नहीं रख सकते, ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जैसे अब ये लॉकडाउन चल रहा है, उसी का ही आप एग्जाम्पल ले लो, तो हमेशा उसमें एक स्ट्रेटेजी तो नहीं अपना रहे ना। जैसे शुरू में शॉप्स खुली, थोड़ी शॉप खुली, 8 से 2 बजे तक खुली, उसके बाद 8 to 6 तक कर दिया, ऐसे ऐसे करके टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी मेंटेन हो रही है, ठीक है। जैसे अब ओपन होने लगा है थोड़ा थोड़ा चीजें, तो उसके लिए हर चीज के लिए स्ट्रेटेजी बना दी गई है। मीन्स सेम तो नहीं है ना, डायनामिक प्रोसेस है ये, ठीक है। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी समझ आ गई। कुछ भी मीन्स किसी भी काम करने से पहले हम कुछ प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी। मीन्स स्ट्रेटेजी कैसा एक प्रोसेस है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं स्ट्रेटेजी को, अब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो स्ट्रेटेजी है उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं स्ट्रेटेजी को, जिससे कि हम रियलाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता क्या है। इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन, इंटेंशन मतलब पर्पस, ठीक है, कि हमने स्ट्रेटेजी बनाई क्यों है, क्या पर्पस है। इसलिए बनाई है हमने स्ट्रेटेजी कि हमारे को हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके, और हमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर का पता लगता रहे, हमारे को लॉन्ग टर्म में कैसा चल रहा है ये पता चलता रहे, इसलिए हम क्या करते हैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब क्या है? अगर आप इनमें से बताओ, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया कि व्हाट दे वांट और व्हाई दे वांट, इसमें व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू, इसमें से स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब बताओ कि क्या करना है या क्यों करना है। अभी बताया ना, इंटेंट का मतलब होता है पर्पस, कि हम ये स्ट्रेटेजी बना क्यों रहे हैं। अगर आपको इसमें से आ जाए कि बताओ कि व्हाट दे वांट टू डू, ये हम काम क्यों कर कैसे करना है, क्या करना है इसमें, या व्हाई दे वांट टू डू, तो इसमें से एग्जांपल स्ट्रेटेजिक इंटेंट का क्या होगा? स्ट्रेटेजिक इंटेंट का एग्जांपल होगा व्हाई दे वांट टू डू, ठीक है, व्हाई क्यों बना रहे हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ठीक है, जिसमें पर्पस शो हो, विजन क्या है, मिशन क्या है इस स्ट्रेटेजी को बनाने का, व्हाई दे वांट टू डू, किस लिए ये करना है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट दे वांट टू डू इज नॉट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब है कि हम क्या पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हो, व्हाई दे वांट टू डू इज द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे हमें पर्पस पता चले कि क्या मिशन है, क्या विजन है, किस लिए ये स्ट्रेटेजिक ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, तो ये इसका एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक इंटेंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब आपको क्लियर हो गया, फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम प्रोसेस पे चलेंगे, ठीक है।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक क्या होता है कि सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटेजी को, इसलिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स है। इसका एम क्या होता है कि डिसीजन लेना फॉर द सब्सटेंसेस एंड द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए डिसीजन लेना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ये क्या करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटेजी है उसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द वे इन विच स्ट्रेटेजिस्ट डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, सॉरी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है ना उसे डिफाइन करता है। कौन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन करता है। दूसरा काम क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का, इसमें जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो डिटरमाइन करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का वर्क है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है और कैसे उन प्लान को एक्ट में ला रही है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। मेन इसका डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी को डिफाइन करता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। तीन पॉइंट इंक्लूड है, फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, सेकेंड इज द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड थर्ड इज द स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन या कंट्रोल, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे स्ट्रेटेजी का, फर्स्टली हम ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, उसके इश्यूज को देखेंगे, ठीक है, कि चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के अंदर। और यही है जो ये कि हमने देखा ना, ऑर्गेनाइजेशन लुक इनटू द इश्यूज सच एज द चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट एंड इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन द, कि हम ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं कि इसका इम्पैक्ट किसके बिजनेस के ऊपर या रिसोर्सेज के ऊपर, स्ट्रेंथ कॉम्पिटेंसेज वीकनेस थ्रेट के ऊपर कैसा पड़ रहा है। और कंपनी को कैसा होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए और प्रोएक्टिव होना चाहिए इस अप्रोच के अंदर, दैट इज द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। फर्स्टली हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन देखेगी इन सभी इश्यूज को कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट चेंज किया जाए तो इसका सब सारा का सारा इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, वीकनेस के ऊपर एंड असेसमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज या थ्रेट के ऊपर भी। कंपनी कैसी होनी चाहिए, को जरूरत है कि वो विजिलेंट हो और प्रोएक्टिव हो, इस अप्रोच के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का, फर्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। फर्स्टली हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेटेजी को, ठीक है। ठीक है सर, कंसर्न होगा कि हम फॉर्मुलेशन ऑफ द सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन एंड देयर इवैल्यूएशन एंड चॉइस बिटवीन देम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वे से एस्टैब्लिश करेंगे स्ट्रेटेजी को कि हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसे भी अचीव कर सके और मिशन को भी अचीव कर सके, ठीक है। एंड समझ आ गया, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट में क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडिंग फिलोसफी है और पर्पस और मिशन है उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम एस्टैब्लिश करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और अचीव करेंगे मिशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब हम मिशंस को अचीव कर लेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटेजी बेस्ट है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि एक एक्शन स्टेज है किसकी, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के, ठीक है।
इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि मोबिलाइजिंग द एम्प्लॉय एंड कैपिटल रिसोर्सेज, इसको मोबिलाइज करना एम्प्लॉयज को और कैपिटल रिसोर्सेज को कि वो ट्रांसलेट कर दें फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी को किसके अंदर, कॉन्क्रीट एक्शन के अंदर। समझ आ गया स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एक एक्शन स्टेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। एक्शन में क्या करेंगे ये कि मोबिलाइज कर देंगे एम्प्लॉय और कैपिटल रिसोर्स को, किसमें ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्क्रीट एक्शन के अंदर। हो गया क्लियर। एंड इसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करते हैं, शॉर्ट रेंज, ठीक है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव को हम सेट करते हैं। बजट और फंक्शनल स्ट्रेटेजी टू अचीव द स्ट्रेटेजी, और जो बजट और फंक्शनल स्ट्रेटेजी भी हम अडॉप्ट करते हैं स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, हमने फॉर्मुलेट किया, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी, उसमें मेन मोटो था कि मिशन को अचीव करना और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। नेक्स्ट हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट में क्या था, ये एक एक्शन स्टेज थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। एंड एक्शन स्टेज में क्या होता है कि हमने एम्प्लॉयज को मोबिलाइज किया और कैपिटल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, क्यों, क्योंकि हम ट्रांसलेट कर सके फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी को किसके अंदर, कॉन्क्रीट एक्शन के अंदर। एंड इसमें हम शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं, बजट और फंक्शनल स्ट्रेटेजी टू अचीव द स्ट्रेटेजी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटेजी कंट्रोल या स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, ये क्या है कि एक फाइनल स्टेज है किसकी, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की। इसके इसको इवेल्युएशन भी बोल सकते हो और कंट्रोल भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इवेल्युएशन किस लिए जरूरी होता है बताओ, वैल्यूएशन इससे जरूरी होता है बिकॉज सक्सेस टूडे इज नॉट गारंटी ऑफ द सक्सेस टूमोरो, ठीक है। इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज सक्सेस टूडे इज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस टूमोरो। मैनेजर नीड टू कॉन्स्टेंटली रिव्यू द परफॉर्मेंस, जरूरी नहीं है कि अगर आज आपको सक्सेस मिल जाए तो कल भी मिलेगी, इसलिए मैनेजर को क्या है कि कॉन्स्टेंटली अपना रिव्यू करता रहना चाहिए कि परफॉर्मेंस को, और उसी के थ्रू एक्शन भी लेने चाहिए। और ऑल स्ट्रेटेजीज आर सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज द एनवायरमेंट चेंज कंस्टेंटली, और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करते रहना चाहिए बिकॉज हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी कंस्टेंटली चेंज हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। इसी वजह से समझ आ गया होगा ये कैसे स्टेज है, फाइनल स्टेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। इवेल्युएशन किस लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो सक्सेस है टूडे इज नॉट गारंटी ऑफ द सक्सेस टूमोरो। मैनेजर को जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली, मैनेजर को जरूरी है कि वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू करता रहे अपनी परफॉर्मेंस और करेक्टिव एक्शन लेता रहे जब भी जरूरत हो। और ऑल स्ट्रेटेजीज आर सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट चेंज कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ये तीन पॉइंट इंक्लूड करना स्ट्रेटेजी कंट्रोल के अंदर, इवेल्युएशन के अंदर। फर्स्टली हम जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट मॉनिटरिंग करेंगे प्रोग्रेस इन एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे उसके थ्रू, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स इंक्लूड होंगे स्ट्रेटेजी कंट्रोल के अंदर। ये हमारा प्रोसेस था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें हमने फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेसन में हम बाकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वीडियोज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।